हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास सीरीज का यह मेरा छठवां लेक्चर है और यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास विशेष रूप से यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें भी इसे शामिल किया गया है। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं इसके अंतर्गत हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास इसे शामिल किया गया है। तो यह मेरा छठवां लेक्चर है। तो हिंदी आलोचना के केंद्र में यदि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को रखकर चलते हैं तो हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास को इन बिंदुओं पर हम विभाजित कर सकते हैं। यह देखते हैं हिंदी आलोचना के विकास के विभिन्न चरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले के हिंदी आलोचना जिसके अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना, भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना, अर्द्वैदी युगीन हिंदी आलोचना। इसके बाद हमने पढ़ा शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय में हिंदी आलोचना की क्या स्थिति थी, कौन कौन से प्रमुख आलोचक थे। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो हिंदी आलोचना की दशा और दिशा है वह पांच भागों में मुख्य रूप से विभाजित की जाती है। स्वच्छंदतावादी आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना, मनोविश्लेषणात्मक आलोचना और नई समीक्षा। तो आज हम पढ़ेंगे शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना के अंतर्गत स्वच्छंदतावादी आलोचना। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना के अंतर्गत छायावादी आलोचना अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचना। स्वच्छंदतावादी आलोचना क्या है, इसे छायावादी आलोचना अथवा सौष्ठववादी आलोचना भी कहा जाता है। सौष्ठव से तात्पर्य सुंदरता। तो छायावादी के साहित्यिक विश्लेषण के लिए स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी समीक्षा पद्धति की शुरुआत हुई। मतलब जो स्वच्छंदतावादी आलोचना है वह मुख्य रूप से छायावाद से संबंधित है और छायावाद के साहित्यिक विश्लेषण करने के लिए, उसकी आलोचना करने के लिए स्वच्छंदतावादी आलोचना की शुरुआत हुई और इसे सौष्ठववादी आलोचना भी कहा जाता है। सौष्ठव का तात्पर्य है सुंदरता, काव्य में जो सौंदर्य है। इस नई समीक्षा के मानदंड के तत्वों का निर्माण छायावाद की प्रमुख विशेषताओं से हुआ। छायावाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, आत्माभिव्यंजना मतलब अपने भावनाओं के अभिव्यक्ति, निजी अनुभूतियों के अभिव्यक्ति, इन और जो है प्रकृति की अभिव्यक्ति, इनके आधार पर इसके तत्वों का निर्माण हुआ है। साथ ही अंग्रेजी की रोमांटिक कविता तथा रोमांटिक क्रिटिसिज्म के अध्ययन का भी इस पर प्रभाव पड़ा। स्वच्छंदतावादी जो आलोचना है अंग्रेजी के रोमांटिक कविता है, जैसे वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली, किट्स, टेनिसन आदि स्वच्छंदतावादी कवि हैं, इनका इन पर प्रभाव है। तथा रोमांटिक क्रिटिसिज्म जो रोमांटिक क्रिटिक है, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज इत्यादि का प्रभाव इस पर पड़ा है। छायावादी काव्य में आत्माभिव्यंजना की प्रधानता से व्यक्तिवादी साहित्य चेतना का जन्म हुआ था। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है, आत्माभिव्यंजना। आत्माभिव्यंजना मतलब अपने मन की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करना, कवि की निजी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करना। इसके कारण व्यक्तिवादी साहित्य चेतना, व्यक्तिवादी साहित्य चेतना मतलब किसी व्यक्ति विशेष की अनुभूतियों का वर्णन करना, उसको अभिव्यक्त करना, इसे कहा जाता है व्यक्तिवादी साहित्य चेतना। इसका जन्म हुआ था छायावाद के समय में। इसलिए स्वच्छंदतावादी आलोचकों ने प्राचीन सिद्धांतों से अलग हटकर काव्य में सूक्ष्म सौंदर्य और सौष्ठव को देखने का प्रयत्न किया। तो प्राचीन जो मापदंड थे आलोचना के समीक्षा के, वह छायावादी समीक्षा के लिए पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि छायावाद एक अलग ही धारा थी। इसलिए काव्य में विनीत सूक्ष्म सौंदर्य, उसके आंतरिक सौंदर्य, कविता और काव्य के आंतरिक सौंदर्य और उसकी सुंदरता को देखने के लिए इन आलोचकों ने प्रयास किया। आलोचकों ने उपादेयता के आधार पर साहित्य का मूल्यांकन न कर आनंद को प्रधान दी। उपादेयता मतलब उपयोगिता। तो साहित्य मानव के लिए उपयोगी होना चाहिए, समाज के लिए मंगलकारी होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए, पहले ऐसा माना जाता था। लेकिन स्वच्छंदतावादी आलोचकों ने क्या कहा, उपादेयता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर साहित्य का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, बल्कि आनंद के आधार पर साहित्य का मूल्यांकन होना चाहिए कि वह कोई भी काव्य या कविता अथवा साहित्य हमें कितना आनंद प्रदान करता है। इस समीक्षा में जीवन के प्रति एक ऐसा भावमय दृष्टिकोण है जो अनुभूति को केंद्र में रखकर विकसित होता है। तो स्वच्छंदतावादी आलोचना की जो केंद्रीय महत्व की जो बात है, जो केंद्रीय बिंदु है, केंद्रीय स्थापना है, वह क्या है, कवि की निजी अनुभूतियों को महत्व प्रदान करना, जीवन के प्रति भावुक दृष्टिकोण रखना, भावमय दृष्टिकोण रखना। स्वच्छंदतावादी समीक्षा पद्धति के प्रतिनिधि आलोचक हैं
अब स्वच्छंदतावादी अथवा स्वच्छतावादी आलोचक कौन कौन है? पंडित नंदलाले वाजपेयी, इन्हें आचार्य नंदलाले वाजपेयी भी कहा जाता है, डॉक्टर नगेंद्र, पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी, ये प्रमुख आलोचक हैं स्वच्छंदतावादी अथवा स्वच्छतावादी आलोचना। छायावाद के मूल्यांकन के प्रश्न पर इन आलोचकों ने आचार्य शुक्ल का विरोध किया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके हिसाब से छायावाद का सही मूल्यांकन नहीं कर पाया, इसलिए उन्होंने आचार्य रामचंद्र की शुक्ल की जो समीक्षा प्रणाली है, जो उनके जो मत है, जो विचार है, उसका इन्होंने विरोध किया। आजकल परीक्षाओं में यूजीसी नेट में खासकर यह पूछा जाता है कि किस आलोचना के लेखक कौन है, दूसरा उसकी रचना कब हुई थी, है ना, जो आलोचना के जो विभिन्न ग्रंथ प्रकाशित हुए उनका प्रकाशन कब हुआ है। तो जब भी आप कोई नोट्स बनाते हैं तो उनके ब्रैकेट में एक तो कवियों का जीवन काल, उनका जन्म और मृत्यु, और दूसरा ये जो इनकी कौन सी कृति कब प्रकाशित हुई, है ना, उसको आप जरूर ब्रैकेट में जरूर लिखें आलोचना में, क्योंकि इनको क्रम से जमाने के लिए परीक्षा में आता है, प्रॉपर ऑर्डर में जमाना पड़ता है इनको। तो पंडित नंदलाल वाजपेयी देखते हैं, आचार्य नंदलाल वाजपेयी का क्या कहना है। पंडित नंदलाल वाजपेयी छायावाद के समर्थ आलोचक और स्वच्छंदतावादी समीक्षा के प्रतिनिधि समालोचक रहे हैं। मतलब आचार्य नंदलाल वाजपेयी जो हैं सबसे बड़े आलोचक हैं किसके? स्वच्छंदतावाद अथवा छायावाद के अथवा स्वच्छतावादी आलोचना के। वाजपेयी जी ने द्विवेदी काल के उत्तरार्ध में, मतलब सेकंड हाफ में, आलोचना क्षेत्र में प्रवेश किया। द्विवेदी युग की जो आलोचना थी उसके सेकंड हाफ में इन्होंने आलोचना के क्षेत्र में प्रवेश किया, तब सरस्वती आदि पत्रिकाओं के माध्यम से उनकी आलोचनाएं प्रकाशित होती रहती थी। सबसे पहले इनकी आलोचनाएं सरस्वती पत्रिका में, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती पत्रिका का संपादन कर रहे थे 1903 से, लेकिन उसके उसमें उनकी आलोचनाएं प्रकाशित होती रहती थी। डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने वाजपेयी जी की आलोचना की दो प्रधान विशेषताएं बताई कि वाजपेयी जी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। कलाकार की अंतर्वृत्तियों का अध्ययन, मतलब कलाकार है जो है, रचनाकार है, कलाकार है, इसके फीलिंग्स और इमोशंस का अध्ययन करना, तथा कलाकृति के सौष्ठव का अनुभूतिपूर्ण विश्लेषण करना, और कलाकृति के सौंदर्य का विश्लेषण करना अनुभूति के आधार पर, मतलब उसमें कौन से अनुभव समाहित हैं कवि के, उसके आधार पर उसकी सुंदरता का विश्लेषण करना। वाजपेयी जी ने द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता का मतलब होता है घटना प्रधान अथवा विवरण प्रधान, घटना प्रधान अथवा विवरण प्रधान को बोलते हैं इतिवृत्तात्मकता। तो द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में क्या होता था? इतिवृत्तात्मक था वह, तथा शुक्ल जी के प्रबंध काव्य काव्यवाद, प्रबंध काव्य मतलब शुक्ल जी ने प्रबंध काव्य को अथवा महाकाव्य को ज्यादा महत्व प्रदान किया, मर्यादावाद, मतलब साहित्य को मर्यादावादी दृष्टिकोण से देखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और नैतिकतावाद कि वह नैतिक रूप से सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए कोई भी काव्य अथवा साहित्य, तो ये इस आधार पर देख रहे थे, तो इससे इन्होंने उसको मुक्त किया। मतलब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में विवरण की प्रधानता थी, घटना की प्रधानता थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय में मर्यादा, नैतिकता, प्रबंध काव्य, इन सब की प्रधानता थी, इससे इन्होंने मुक्त किया। उन्होंने काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का विवेचन भी किया, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों का इन्होंने अध्ययन किया, उन पर पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों का पर्याप्त प्रभाव था, इस कारण उन्होंने भारतीय रसवाद के सिद्धांत की व्याख्या भारतीय साहित्य शास्त्र के रूढ़ शब्दों में भी में नहीं की। तो उन्होंने जो भारतीय रसवाद है अथवा रस सिद्धांत है, इसकी व्याख्या जो हमारे प्राचीन काव्य शास्त्र है उसके आधार पर उन्होंने रसवाद की व्याख्या नहीं की, मतलब जो स्थापित जो मान्यताएं थी उसका इन्होंने खंडन किया, और इन्होंने पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांत के आधार पर रस सिद्धांत को देखने का प्रयास किया। वाजपेयी जी ने रसानुभूति संबंधी अलौकिकता को अस्वीकार किया और कला मात्र के आनंद को रस नाम से अवहित किया। वाजपेयी जी का क्या कहना था कि जो रसानुभूति है वह ब्रह्मानंद सहोदर है, अलौकिक है, रस की अनुभूति अलौकिक है, जिसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, तो इसका उन्होंने खंडन किया, इसको उन्होंने अस्वीकार किया, और इनका कहना था कि कला मात्र से, किसी साहित्य को पढ़ने से, काव्य को पढ़ने से हमें जो आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। इस प्रकार उन्होंने रस की नई व्याख्या की। वाजपेयी जी को छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी रचनाओं की गंभीर और विस्तृत समीक्षा का श्रेय जाता है। तो आचार्य नंदलाल वाजपेयी ने केवल छायावादी समीक्षा ही नहीं की, बल्कि प्रगतिवादी, प्रयोगवादी आदि जो कविताएं हैं, आदि जो साहित्य है, इनकी भी गंभीर और विस्तृत समीक्षा किया। वाजपेयी जी के प्रधान आलोचना ग्रंथ हैं, तो ये आपको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, जोड़ी बनाने के लिए भी पूछा जाता है, खासकर यूजीसी नेट में,
कि कौन से आलोचक की कौन सी रचना है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, सूर संदर्भ की भूमिका, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास और नया साहित्य नयप्रस, इनके प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब डॉक्टर नगेंद्र रसवादी समीक्षक माने जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र भी स्वच्छंदतावादी एवं स्वच्छवादी समीक्षा पद्धति के आलोचक हैं। स्वच्छवादी मतलब सुंदरता, जो सुंदरता का उल्लेख करते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र भी स्वच्छंदतावादी या स्वच्छवादी समीक्षा पद्धति के आलोचक हैं। उन्होंने समीक्षा का आरंभ छायावाद पर स्फुट निबंध से किया। स्फुट निबंध मतलब स्पष्ट निबंध, विकसित निबंध। स्फुट मतलब विकसित अथवा स्पष्ट होता है, इससे किया। हंस जो 1937 ईस्वी में प्रकाशित हो रही थी हंस पत्रिका में, उनका पहला निबंध जो सुमित्रानंदन पंत पर था यह प्रकाशित हुआ था। सुमित्रानंदन पंत पर उन्होंने एक निबंध लिखा था हंस पत्रिका के लिए। छायावादी काव्य की अंतर्मुखी साधना, अंतर्मुखी साधना मतलब जो कवि और जो लेखक, जैसे महादेवी वर्मा की जो साधना भाव है ना, अंतर्मुखी प्रकृति के रही है, तो इसका उन्होंने उल्लेख किया। उनके जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं, व्यक्तिगत निजी चेतना का उन्होंने उल्लेख किया। सौंदर्य चेतना, उनके काव्य में जो क्या सौंदर्य की अभिव्यक्ति हुई है। कलात्मकता, कलात्मकता कैसी, शिल्प पक्ष भाव पक्ष किस प्रकार का है, इसके प्रति उनका विशेष आकर्षण था। सुमित्रानंदन पंत 1938 ईस्वी में इनकी जो आलोचना का ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, इसमें पंत जी की कविताओं में मनोदशाओं का उन्होंने सुंदर चित्रण किया है। मनोदशाओं का मतलब मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्होंने इसकी व्याख्या की है। मनोदशाओं मतलब मन के जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्होंने इसकी व्याख्या की। धीरे धीरे वे व्यवहारिक आलोचना से सैद्धांतिक आलोचना की ओर आकृष्ट हुए। व्यवहारिक आलोचना मतलब उसका आलोचना करना, किसी कृति की आलोचना करने को बोलते हैं व्यवहारिक आलोचना। और सैद्धांतिक आलोचना मतलब सिद्धांतों की स्थापना करना, अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करना, किसी नए आलोचना के मापदंडों का, नए सिद्धांतों का निर्माण करना, इसे बोला जाता है सैद्धांतिक आलोचना। रीति काव्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता से इसका स्पष्ट आभास मिलता है। तो ये उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अपनी व्यावहारिक आलोचनाओं के लिए उन्होंने विविध विषय चुने हैं, मतलब विभिन्न ग्रंथों का, विभिन्न प्रकार की रचनाओं का उन्होंने व्यवहारिक रूप से आलोचना किया, जिसमें शामिल है काव्य, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र आदि। उन्होंने मध्य युग से आधुनिक युग तक के कृतिकारों की समीक्षा की है, किंतु वे मुख्य रूप से आधुनिक काव्य के आलोचक हैं। यद्यपि उन्होंने मध्य युग से लेकर आधुनिक काल तक के सभी प्रकार के रचनाकारों की समीक्षा की है, परंतु वास्तव में वे आधुनिक समय के आलोचक हैं। उनके कुछ निबंध में फ्रायडी प्रभाव की झलक मिलती है। उनके कुछ निबंध ऐसे हैं जिनमें फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद अथवा मनोविश्लेषण सिद्धांत की झलक दिखाई देती है, इसलिए उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक व्याख्याएं की है। तो जो उनके आलोचना के केंद्र में क्या है, मनोविश्लेषण है। किंतु डॉक्टर नगेंद्र मूलतः रसवादी आलोचक हैं, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। रस सिद्धांत 1964 इनका अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है। मैं उन्होंने रस का पूरा विवेचन कर उसकी पुनः प्रतिष्ठा का प्रयास किया है, मतलब रस सिद्धांत की पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए उन्होंने रस सिद्धांत इस आलोचना ग्रंथ को लिखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, परीक्षा में प्राय पूछा जाता है। तो रस की पुनः प्रतिष्ठा की। साहित्य को वे आत्मा अभिव्यक्ति मानते हैं, इसलिए अनुभूति तत्व का विशेष मान्यता देते हैं। उनका कहना है जो साहित्य होता है वह किसी कवि अथवा रचनाकार की निजी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है, उसे अभिव्यक्ति प्रदान करता है, इसलिए वे अनुभूति तत्व को विशेष मान्यता प्रदान करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र आधुनिक साहित्य और समसामयिक आंदोलनों से भी जुड़े रहे, जहां उन्होंने कामायनी के अध्ययन की समस्याएं ग्रंथ लिखा, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है कामायनी के अध्ययन की समस्या 1962। वहीं वे समय समय पर नई कविता, उपन्यास और कहानियों की भी आलोचना करते रहे हैं। मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। वे केवल न केवल छायावादी आलोचक हैं बल्कि रसवादी आलोचक हैं, और नई कविता, उपन्यास और कहानी की भी इन्होंने आलोचना लिखी है। नई आलोचना नए संदर्भ 1970 ईस्वी, ये मैं ब्रैकेट में जो लिखा हूँ, जो ये जो वर्ष है इसको आप जरूर याद कर लें, क्योंकि यूजीसी नेट में आपको यह जमाने के लिए आता है प्रॉपर ऑर्डर में कि क्रमबद्ध कौन सी आलोचना कृति पहले लिखी गई, कौन सी बाद में लिखी गई और किससे संबंधित है। तो ये आप हमेशा नोट्स बनाएं, तो यह जरूर लिखें। अभी यूजीसी नेट का एग्जाम भी होने वाला है फरवरी और मार्च में, तो आपका यूजीसी नेट के एग्जाम का डेट आ चुका है। मैं आपको बता देता हूँ कब से कब तक आपकी परीक्षा होगी। आपकी परीक्षा होगी 21 फरवरी से 10 मार्च तक यूजीसी नेट की परीक्षा है। तो इसको आप ध्यान में रखें और अच्छी तरह से आप याद कर लें। और यह जो टॉपिक है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास से संबंधित है। तो नई आलोचना नए संदर्भ 1970 ईस्वी में मूल्यों का विघटन, मतलब मूल्यों का जो क्षरण हो रहा है, मूल्यों का विघटन हो रहा है, मूल्य समाप्त हो रहे हैं, जीवन मूल्य, सांस्कृतिक संकट की जो स्थिति है,
जो लोग बहुत आधुनिकता के चक्कर में पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, सांस्कृतिक संकट का दौर है, आधुनिकता का प्रश्न आदि पर भी इन्होंने विचार व्यक्त किए हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के नए सिद्धांतों की जानकारी देने के लिए इन्होंने काव्यबिंब की रचना की, मतलब काव्यबिंब नाम की एक किताब इन्होंने लिखी है और इसमें पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के जो नए सिद्धांत हैं जो अभी हाल ही में आए हुए हैं, रिसेंट में आए हुए हैं, उनकी व्याख्या करने के लिए इन्होंने काव्यबिंब नाम की एक कृति की रचना की। इस प्रकार डॉक्टर नगेंद्र हिंदी आलोचना में दो कार्य किए, दो महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया है, इनका दो महत्वपूर्ण योगदान है। एक तो भारत और पश्चिम के आलोचना शास्त्र की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया, न केवल इन्होंने पाठकों का ध्यान भारतीय काव्य शास्त्र की ओर आकर्षित किया बल्कि आलोचना पाश्चात्य आलोचना शास्त्र की ओर भी इन्होंने भारतीय जो पाठक है उनका ध्यान आकर्षित किया, यहां तक कि अनुवादों के माध्यम से सामग्री सुलभ कराई। उन्होंने कई उन्होंने अनुवाद भी किया पाश्चात्य काव्य शास्त्र का, हिंदी में अनुवाद किया अंग्रेजी से, और दूसरा छायावाद के शिल्प पक्ष की सूक्ष्मताओं को भी उजागर किया। शिल्प पक्ष में क्या होता है, साहित्यिक रचना करने का जो ढंग होता है, शिल्प पक्ष, भाव पक्ष, कला पक्ष, इनकी सूक्ष्मताएं जो विशेषताएं हैं इनको इन्होंने उजागर किया। इसके बाद पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी भी स्वच्छंदतावादी अथवा साष्टावादी अथवा छायावादी आलोचक हैं। इनके क्या मापदंड हैं, द्विवेदी जी ने मुख्यतः छायावादी साहित्य पर ही विचार किया है, वे छायावाद पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने वाले समीक्षक थे। ऐतिहासिक दृष्टि से मतलब जिस समय छायावादी काव्य रचा जा रहा था उस समय की ऐतिहासिक परिस्थितियां कैसी थी, सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी, इसके आधार पर उन्होंने छायावाद की समीक्षा की। वे काव्य से जीवन की प्रेरणा प्राप्ति को महत्व देते थे, उनका मानना था कि काव्य जो है, काव्य से जीवन की प्रेरणा, मतलब काव्य से लोगों को जीने की प्रेरणा प्राप्त होनी चाहिए, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। वे उन्होंने ईश्वर संवेदनीयता को काव्य के उद्देश्य में स्थान दिया, मतलब काव्य में संवेदना होनी चाहिए, काव्य में गहराई होनी चाहिए अनुभूति की, इसको उन्होंने स्थान दिया। द्विवेदी जी ने छायावादी काव्य के विकास में गांधीवाद और प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों को सहायक माना है। तो पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी का मानना था कि जो छायावादी काव्य है उसका विकास किस किन परिस्थितियों में हुआ, उस पर किसका प्रभाव है, गांधीवाद का प्रभाव है, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो स्थितियां निर्मित हुई थी पूरे विश्व में उसने छायावादी साहित्य को जन्म दिया था। हमारे साहित्य निर्माता 1932 ईस्वी कवि और काव्य साहित्य की आदि उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। द्विवेदी जी ने इतिहास के आलोक निबंध में वर्तमान कविता के क्रम विकास का तथा छायावाद और उसके बाद निबंध में साहित्य के विकास का अध्ययन किया है जिसमें उनके वैयक्तिक चिंतन की झलक है। तो इनका एक प्रमुख जो रचना है निबंध है वह इतिहास के आलोक, इसमें इन्होंने कविता का जो विकास क्रम है, कविता का विकास किस प्रकार हुआ, इसका इन्होंने उस पर व्याख्या की है, आलोचना की है, और छायावाद और उसके बाद निबंध में साहित्य के विकास का अध्ययन किया है। साहित्य मतलब जितने भी निबंध हैं, रेखा चित्र है, रिपोर्टार्ज इत्यादि सब, कहानी, कविता, उपन्यास, इसमें उनका वैयक्तिक चिंतन की झलक है, उनके जो निजी चिंतन है, निजी विचार है, इसमें ये साफ दृष्टिगोचर होता है। तो इस प्रकार हमने देखा छायावादी आलोचना शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना के अंतर्गत, और इसका जो नोट्स है पीडीएफ वह मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आज का मेरा यह व्याख्यान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट जरूर बताएं। साथ ही यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहे, और साथ ही आप मेरा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।